दोस्तों सीन ये है कि सबसे पहले तो आप इन चेहरों को देखिए। एक दिलकश मुस्कान किसी की खूबसूरती को और भी निखार देती है, या यूं कहें कि उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षित बना देती है। पर अगर आपके दांतों में कोई समस्या हो तो मुस्कुराने में हिचक होती है। अगर हमारे दांत हमको अलविदा कह चले हो तो हमारे पास केवल दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो नए दांत लगवाएं या तो फिर मुस्कुराते समय अपना हाथ आगे लगाएं। यही कुछ हाल मेरे रिलेटिव का कुछ दिनों पहले हुआ। उनके सामने वाले दो दांत उनको हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे और पहला ऑप्शन चुनते हुए, यानी कि नए दांत लगवाने के लिए, फिर डेंटिस्ट के पास गए। मैं भी उनके साथ गया था। तो जब डेंटिस्ट ने उनका चेकअप किया तो डेंटिस्ट ने उनको ये बताया कि आपको पाइलिया हो गया और ये पूरे आपके मुंह में फैल चुका है, इसकी वजह से हमें आपके सारे दांत निकालने पड़ेंगे और फिर नए दांत लगवाने पड़ेंगे, और उसका खर्चा लगभग 2 लाख तक का बता। तो ये सुनकर के तो मेरे रिलेटिव थोड़ा घबरा गए, और घबराहट के साथ साथ उन्होंने मेरे को भी एक अलग टेंशन दे दिया। उन्होंने ये बताया कि पाइलिया की शुरुआत जो होती है वो मसूड़ों में खून आने से होती है। मेरे को भी थोड़ा बहुत खून आता था, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया हम लोग गलत क्या कर रहे हैं। हम लोग तो रोज टूथब्रश करते हैं, रोज मंजन करते हैं, अच्छा डाइट रखते हैं, सब रखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं उसकी तह तक गया और जो मेरे को पता चला उसने मेरे को हैरान कर दिया। मेरे को कई ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से मैंने ब्रश करना छोड़ दिया। तो सबसे पहली बात तो हमारे टूथपेस्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। उनमें से एक है सोडियम लॉरल सल्फेट। ये केमिकल प्रायः हमारे डिटर्जेंट्स में पाया जाता है। इसका मेन काम होता है झाग बनाने का। ब्रिटिश डेंटल जर्नल के एक लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग इस केमिकल से माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, और यहाँ तक कि ये केमिकल आपके दांत वाल को भी तोड़ सकता है, यानी कि टूथ इनेमल को भी तोड़ सकता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के हर टूथपेस्ट में ये केमिकल प्रेजेंट है। इवन मार्केट में कई ऐसे ऑल्टरनेटिव टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जिनमें ये केमिकल प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपका वीको वज्रदंती का टूथपेस्ट, डाबर रेड टूथपेस्ट, पतंजलि का दंत कांति, और भी काफ़ी सारे टूथपेस्ट हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स में चेक करोगे तो आप पाओगे ऐसे कई टूथपेस्ट हैं मार्केट में। टूथपेस्ट के साथ साथ ब्रशिंग भी इक्वली हानिकारक। रोज दांतों को ब्रश से रगड़ना भी काफी हार्मफुल है। ये हमारे मसूड़ों को कमजोर कर देता है। ओवर ब्रशिंग रिसीडिंग गम्स का एक बहुत अहम कारण है। इसके अलावा ब्रशिंग, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक ब्रशिंग से कीटाणु हमारे मसूड़ों के अंदर तक पुश कर दिए जाते हैं। ज्यादा ब्रश करने से हमारा टूथ इनेमल भी टूट सकता है। और उसके अलावा जो आपका ब्रश होता है उसके जो ऊपर में आपने नोटिस किया होगा एक पीला परत जम जाता है थोड़े समय बाद, तो ऐसा डेंटिस्ट एडवाइस करता है कि आपको 3 से 4 महीने में ब्रश बदलना चाहिए। पर अगर आप कोई भी ब्रश को यूज करोगे लगभग 15-20 दिन में यहाँ पे एक पीला कलर का परत जम जाता है, जो कि काफी अनहाइजीनिक है। आप वही सेम ब्रश बार बार यूज करते रहते हो। साथ ही साथ अगर आप फिर भी ब्रश यूज करना चाहते हो फिर तो भी मेरा ये सलाह रहेगा आपको कि कम से कम ब्रश को उधर ना यूज करें जिधर आप फ्लश करते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रश वहां रखा है जहां पे आप फ्लश करते हो तो जो कीटाणु हवा में उड़ते हैं वो भी ब्रश के ब्रशेस में आकर के चिपक सकते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि सोल्यूशन है क्या। तो सोल्यूशन तक बढ़ने के पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस समझाना चाहूंगा वेस्टर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन का। जो वेस्टर्न मेडिसिन होती है वो चीजों को सिस्टम्स और कंपार्टमेंट्स में डील करती है, यानी कि कोई दांतों का अलग स्पेशलिस्ट होगा, कोई हार्ट का अलग स्पेशलिस्ट होगा, कोई हड्डियों का अलग स्पेशलिस्ट होगा। जो आपका आयुर्वेद होता है वो थोड़ा कॉज और इफेक्ट में चलता है, ये किस वजह से हुआ, इसकी मेन जड़ क्या है और इसकी वजह से और क्या क्या चीजें इफेक्ट हुई है। तो अगर आप आयुर्वेद वाले किसी बंदे के पास जाओगे और आपको दांतों की समस्या बताओगे तो वो केवल ये नहीं देखेगा कि आपको दांतों की समस्या है, वो समझेगा कि आपके ओवरऑल कोई हेल्थ का इश्यू है, क्योंकि दांतों की समस्या केवल ओरल हाइजीन और ये मंजन और टूथब्रश इन सब से नहीं होती है, ये पुअर डाइट और पुअर बोन नरिशमेंट के कारण से भी होती है। तो अगर आप रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो, जैसे कि रिफाइंड शुगर हो गया, रिफाइंड फ्लोर हो गया यानी कि मैदा, ब्रेड हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई,
आपके फ्रेंच फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए वगैरह, ऐसे काफी सारी चीजें अगर आप ऐसे रिफाइंड और प्रोसेस फूड ले रहे हो तो ये जो होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे मिनरल्स को वॉश अवे करके ले जाता है, जिसकी वजह से आपके बोन में नरिशमेंट कम होता है और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो एक आयुर्वेदिक वाला जो बंदा होगा वो ये सारी चीजों को भी समझेगा। तो इसका मतलब यही है कि केवल हम अपने दांतों का ख्याल रखें, हमें अपने पूरा लाइफस्टाइल में ऐसा रखना पड़ेगा कि हम स्वस्थ रहें। हमें कपालभाति करना पड़ेगा जो कि काफी हमारे दांतों के लिए हेल्पफुल होता है। उसके अलावा अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैंने अभी तक शुरू किया है कि मैं ब्रशिंग के बजाय ये शुरू कर दिया हूँ, नीम का दांतों, नीम के दांतों के कई फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक है। उसके अलावा ये हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये पायरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको नीम नहीं मिलता तो आप बबूल की दातून यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो आप बाज़ार में पाए जाने वाले आयुर्वेदिक औषधि से निर्मित दंत मंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इनके इंग्रेडिएंट्स पे शक हो, जो कि बहुत जायज़ है, क्योंकि सन 2011 में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के एक रिसर्च के मुताबिक कई प्रमुख टूथपेस्ट की ब्रांड्स अपने टूथपेस्ट में निकोटीन का यूज़ कर रही थी, जो कि एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। तो इसलिए मतलब अगर आपको घर में ही मंजन बनाना है तो बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको घर में बनाना है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक बेसिक सामग्री है, जैसे कि 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम फिटकरी, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम की छाल, 100 ग्राम बबूल की छाल और 20 ग्राम लौंग। ये मिला करके आप अच्छे से पीस लीजिए, आपका अच्छा खासा एक टूथ पाउडर तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो एक बहुत छोटा सा गूगल सर्च आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव्स टू टूथपेस्ट अगर आप करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ ना कुछ तो जो सब्सटेंस उसमें मेंशन होगा वो आपके आसपास होगा, जिसका कि यूज आप एज अ टूथपेस्ट कर सकते हो। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपनी मुस्कान बरकरार रखें, और मुस्कुराते मुस्कुराते ये सब्सक्राइब बटन भी क्लिक करें। थैंक यू।